मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन ट्रिपल एरो आर्चरी सीन फ्रॉम द मूवी बाहुबली 2 बाय 4K क्लिप्स इन ट्रेलर्स. ओके, तो मतलब बाहुबली 2 एंड सब लोग प्रभास 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 अभी बहुत सारे चर्चे चल रहे हैं, तो सबसे ज्यादा हिट मूवी पे क्यों ना रिएक्ट करें, इसलिए मैंने ये सोचा कि इस पे करते हैं. लाइक लंबा समय हो गया बाहुबली देख के मुझे, आपको, सबको, तो मैं तो भूल भी जाती हूँ बहुत सी चीजें, तो फिर एक बार देखने में बड़ा मजा आता है. सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो एंड आई एम रेलिनेक, वेलकम टू माय चैनल, देखने वाली मोना. और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल. सो लेट्स गो. क्या रहे हो कुमार वर्मा, ये पिंडारी है, सबको सावधान करो. कुमार वर्मा, समय हर कायर को शूरवीर बनने का एक अवसर देता है, वो क्षण यही है. जो प्राण देता है वो भगवान है, प्राण बचाने वाला वैद्य और प्राण की रक्षा करने वाला क्षत्रिय.
बापरे निकलेंगे खतरनाक। रुकिए, आप हैं कौन? अभी बताने का समय नहीं है राजकुमारी, आइए। अभी फाइट करने का समय। वाओ, देख के बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। कितने टाइम बाद, कितने साल हुए होंगे बाहुबली को। ओके, एंड अगर बात करूं, हाँ वो कुछ था ऐसे ऐसे और फिर तीन बाण मारने का वो वाला, पर क्या जिस तरीके से शूट किया ना, खतरनाक। ओके ठीक है, मुझे पता है मुझे बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है मेरे आदि पुरुष वाले टीजर पे, रिएक्शन पे। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने फुल टाइम जिस चीज पे फोकस किया, इट वॉज ऑन रामायण, राम एंड बजरंग बली एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी कि ये चीज हम सब लोगों को थिएटर में देखने को मिलने वाली। लाइक समझो, अगर लाइक हम लोग कल्चर से कहीं ना कहीं दूर, हम लोग नहीं मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं जो कल्चर से दूर चले गए हैं, राइट? मालूम ही नहीं है कुछ चीजें, क्या हुआ था रामायण में, क्या होता है महाभारत में। मुझे पता है बिकॉज मैंने सारी चीजें डिटेल में देखी, तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि ये चीजें अभी फिर एक बार नॉलेज आएगी लोगों को। मैं बस वो सोच के मैंने उस टीजर पे रिएक्ट किया, एंड लाइक वो सारी चीजें ना, लाइक राम एंड प्रभु श्री राम एंड ऑल, लाइक ऐसे अच्छा लग रहा था। एंड उस चीज में मैंने आप लोग के सामने एक बार ही देखा टीजर, एंड मेरा वो रिएक्शन था। बट मैं एक चीज बोलूं, ऐसी मूवीज के लिए सच्ची में एसएस राजमौली सर परफेक्ट है, बिकॉज वो हर एक चीज में परफेक्शन लाएंगे। अगर आदि पुरुष भी अगर एसएस राजमौली करते तो अलग ही होता है यार, परफेक्शन से लेके सारी चीजें बहुत अलग होती है। अगर आपने इस शॉर्ट्स में देखे थे, वो जब ऐसे बेंड करने वाला वो जो शॉट था, वो जो चीज से ऐसे सीन क्रिएट किया था, बाण मारने वाला सीन हो, जैसे कीड़े मकोड़ों की तरह सारी ट्रूप ऐसे आ रही है, अटैक कर रही है, वो वाला सीन हो, या फिर आप कोई भी सीन पकड़ लो जो बारीकी है इन सारे सीन में, वो इतनी ज्यादा है कि मजा आ जाता है यार देखने में, ठीक है? तो वैसा ऐसे मूवीज के लिए परफेक्शन की बहुत जरूरत है, जो एस एस राजमौली सर लाते हैं, जो आदि पुरुष के लिए भी होना चाहिए था, राइट? एंड उल्टा जो लोग बोल रहे हैं कि लाइक आप व्यूज के लिए कर रहे हो, आज पता चला अब मैं अनसब्सक्राइब कर दूंगा, पागल लोग, उल्टा मुझे हेट मिल रहा है ना उस पे, मैं अच्छा बोली हूं तो फिर उल्टा मुझे कौन सब्सक्राइब करेगा? इट जस्ट दैट मैं बन नहीं सकती, मेरे इमोशंस प्रभु श्री राम को लेके, बजरंग बली, इन सबसे मतलब इन सबको लेके मेरे इमोशंस इतने ट्रू है कि मैंने सिर्फ वो फ्लो और वही सारी चीजें बैकग्राउंड में भी वही सुना, वो सारी चीजें देखी, जबकि बारीकी, आई नो बारीकी ज्यादा देखना चाहता, बट जब कभी भी टीजर आता है तब मैंने भी फर्स्ट टाइम एक नजर में ही देखा। आप लोगों ने दो चार बार देखे हो गए या फिर जो कुछ भी है, तो फिर इसमें क्या होता है, एक नजर में मैंने सिर्फ अगर प्रभु श्री राम पे ही फोकस किया होगा, तो जिस वजह से मेरे से गलती हुई, मेरे को पता है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, एक्सेप्टेड कि मेरे से गलती हो चुकी है, कि मैंने पूरे छोटी छोटी चीजों पे एक्चुअली फोकस देना चाहिए था। जब मैं छोटी छोटी क्लिप्स देख रही हूँ आज सोशल मीडिया पे, तब मैंने देखा, ओ यस, ये मतलब हेयर कट कैसे है रावण का, ये तो नहीं होना चाहिए था, एंड मेरी गलती हुई उस दिन एक्चुअली। लाइक सही में बताऊ, मेरे घर पे रेनोवेशन का काम चालू, गड़बड़ी, 5 मिनट मिला मुझे बिना आवाज का, मैंने रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज 5 मिनट के लिए थोड़ा शांत रहोगे, मुझे एक वीडियो शूट करना है, एंड उसमें एंड ऑल आई एक्सेप्ट मेरा फॉल्ट, बट मुझे लगता है ये एक परफेक्शन बन के आ सकता है, बिकॉज डायरेक्टर से वो जो ट्वीट आया था या कुछ आया था कि इसमें बहुत ज्यादा काम बाकी है और एंड बहुत सारा टच बाकी है, और इट वॉज जस्ट अ टीजर, जस्ट एक एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए टीजर होता है, जब वो एक्साइटमेंट बढ़ाने के बजाय वो अपोजिट हो गया। बट पता नहीं क्यों मेरे एक्सपेक्टेशन फिर भी है कि अगर इतना हिट मिला तो वो लोग बहुत काम करेंगे अभी इस मूवी पे और इस सारे परफेक्शन सीन्स पे वगैरह, हर एक चीज पे, एंड एक अच्छी चीज आ सकती है हमारे सामने, बिकॉज ये बहुत बेहतरीन दिखाना चाहिए अगर आप हिस्ट्री दिखा रहे हो तो। ओके, तो ये था मेरा रिएक्शन ऑन बो एंड ट्रिपल ब्लो एरो आर्चरी सीन From the movie बाहुबली 2। अब कॉर्ट ऐसी वीडियोस देखते हैं तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ऐसे ज्यादा शेयर करो, क्योंकि आपके व्यूज पे मुझे पता चलता है मेरे ऑडियंस को क्या देखना पसंद है क्या नहीं, तो प्लीज बाकी परत मियाले।